भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पांचवें वनडे मैच में रोहित शर्मा ने दूसरा छक्का लगाते ही वनडे क्रिकेट का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल यह उनके वनडे करियर का 200वां छक्का रहा। इसके साथ ही वे वनडे में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। शाहिद अफरीदी ने यहां तक पहुंचने के लिए 195 पारियां खेली थी, जबकि भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 187 पारी में यह उपलब्धि अपने नाम कर ली। एक मैच पहले ही 162 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने छक्के बरसाने के मामले में दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने 137 गेंदों में अपनी इस पारी में 20 चौके और 4 छक्के जमाए थे। इस मैच के बाद उनके नाम कुल 198 छक्के हो गए थे। सबसे कम पारियों में 200 छक्के तक पहुंचने के मामले में रोहित शर्मा और अफरीदी के बाद एवी डिविलियर्स का नंबर आता है। चौथे नंबर पर ब्रेंडन मैकुलम है, जबकि पांचवें नंबर पर क्रिस गेल काबिज हैं।